नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको करवा चौथ व्रत की संपूर्ण सामग्री और पूजा विधि बताएंगे। करवा चौथ के व्रत की पूजा के लिए एक चौकी, चौकी पर बिछाने के लिए लाल रंग का कपड़ा, करवा चौथ माता की एक तस्वीर, एक छेद वाला करवा, करवे का ढक्कन, मिट्टी का दीपक, एक मीठा करवा, मीठे करवे में भरने के लिए खील पताशे, अनाज के रूप में गेहूं या बाजरा ले लें। इसके बाद पूजा की थाली तैयार करें। पूजा की थाली में रोली, मोली या कलावा, चावल, कोई भी अनाज, गाय के घी का दीपक, दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे, भोग के रूप में मिठाई, एक छलनी, सोहले श्रृंगार का सामान, एक चुनरी, पुष्पमाला, एक साड़ी, ऋतु फल और पूजा के समय पहनने के लिए चुनरी ले लें। कुछ जगह कलश स्थापना भी की जाती है। अगर आप भी कलश स्थापना करना चाहते हैं, तो कलश स्थापना के लिए अशोक या आम के पत्ते, एक नारियल, कलश में डालने के लिए हल्दी, सिक्का, सुपारी, इलायची और चावल रख लें। सारी सामग्री एकत्रित करने के बाद पूजा के स्थान को स्वच्छ करके एक चौकी या पट्टा बिछाएं, उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं और चौकी पर करवा चौथ माता और गणेश जी को स्थापित करें। छेद वाले करवे में पानी भरकर उसके मुंह पर रुई लगा दें, जिससे पानी ना निकले, और उस पर कलावा बांधकर स्वास्तिक का चिन्ह बना लें। फिर करवे को ढक्कन से ढक दें। इसके बाद मीठे करवे को खीर और पताशे से भरकर उसके कंठ पर कलावा बांधकर चौकी पर रखें। एक मुट्ठी अनाज के रूप में गेहूं या बाजरा चौकी पर रखें। अनाज पर दक्षिणा रख दें। कुछ अनाज चौकी पर रखकर उस पर दिया जलाएं। शुद्धिकरण करके पूजा शुरू करें। सर्वप्रथम गणेश जी को कलावा समर्पित करें। इसके बाद करवा चौथ माता को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करें। माता को चुनरी उढ़ाएं और पूजा स्थान पर उपस्थित सभी देवी देवताओं के तिलक करें और अक्षत चढ़ाएं। करवे पर भी तिलक करें, स्वयं के भी तिलक कर लें। सभी को पुष्प समर्पित करें और करवा चौथ माता को भोग स्वरूप मिठाई अर्पित करें। करवे पर भी मिठाई रखें और माता को ऋतु फल भी समर्पित करें। सास को देने वाला वायने का सामान भी वहीं रख लें। इसके बाद गेहूं के 13 दाने हाथ में लेकर कहानी सुनो। कहानी सुनने के बाद कुछ दाने जल के लोटे में डाल दें, कुछ दाने सूरज जी को अर्घ देने के लिए रख लें और बचे हुए दाने चुनरी में बांधकर चांद के अर्घ देने के लिए रख लें। माता से अपने पति की दीर्घायु की कामना करें। कथा सुनने के बाद करवा पर हाथ घुमाकर अपनी सासू जी के पैर छूकर आशीर्वाद लें और उन्हें करवा दे दें। माता से विनती करें कि अगर पूजा में कोई कमी रह गई हो तो माफ करें और पूजा को पूरी मान लें। रात्रि में चंद्रमा निकलने के बाद छलनी की ओट से उसे देखें और चंद्रमा को अर्घ दें। चंद्रमा की पूजा के बाद घर और आस पड़ोस के सभी बड़े लोगों का आशीर्वाद लें। इसके बाद पति से आशीर्वाद लें, उन्हें भोजन कराएं और स्वयं भी भोजन कर लें।